रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने सरकार से सभी तरह की सेवाओं के लिए एक जैसे नियम कानून की मांग की है। इनमें OTT शामिल है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि ऐसा होता है तो व्हाट्सएप कॉल समेत ढेरों ऐसे फीचर्स महंगे हो जाएंगे जो अभी फ्री है। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम और स्काइप जैसे OTT प्लेटफॉर्म और मोबाइल टेलीफोनी के बीच ज्यादा फर्क नहीं है, लिहाजा उन पर भी समान रेगुलेशन लागू होने चाहिए। अभी देश में टेलीफोनी सर्विस के लिए कंपनियों को लाइसेंस लेना पड़ता है, जबकि OTT प्लेटफॉर्म इंटरनेट से चलते हैं, उन्हें सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। दूरसंचार विभाग ने हाल ही में इंडियन टेलीकॉम बिल 2022 का ड्राफ्ट जारी किया है। इस पर संचार नियामक ट्राई से 20 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए हैं। इसमें OTT को टेलीकॉम लाइसेंस के तहत लाने का प्रस्ताव है। यही ड्राफ्ट अमल में आया तो सभी इंटरनेट आधारित कॉलिंग ऐप लाइसेंस फीस के दायरे में आएंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर्स इस इंडस्ट्री में समान सेवा समान नियम का सिद्धांत लागू करने की मांग कर रहे हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कहना है कि इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप को भी टेलीकॉम कंपनियों के बराबर लाइसेंस फीस चुकाना चाहिए, लेकिन किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब आपको बताते हैं कि OTT एप्स लाइसेंस के दायरे में आने पर क्या होगा। व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, स्काइप जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स का परिचालन खर्च बढ़ जाएगा। इसकी वसूली वे यूजर से करेंगे। ऐसे में यूजर को टेलीकॉम कंपनियों के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म्स को भी पेमेंट करना होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर टेलीकॉम कंपनियां क्यों लागू करना चाहती है समान नियम। टेलीकॉम कंपनियों को आय की चिंता है। अभी यूजर इंटरनेशनल कॉल व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म से कर लेते हैं, इसके लिए अतिरिक्त टैरिफ नहीं चुकाना पड़ता है। यदि ये प्लेटफॉर्म पेड होंगे तो इनका इस्तेमाल घटेगा और टेलीकॉम कंपनियों को फायदा होगा। अब आपको बताते हैं इस नियम के लागू होने पर टेलीकॉम इंडस्ट्री पर क्या हो सकता है। दोहरे खर्च से बचने के लिए लोग OTT का इस्तेमाल कम करेंगे, ऐसे में डेटा यूजेज कम हो जाएगा। इसका सीधा असर टेलीकॉम कंपनियों की आय पर होगा। मौजूदा बिजनेस मॉडल में इन्हें सबसे ज्यादा आय डेटा से ही होती है। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट।